अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने अदाणी का जिक्र भी किया, लोकसभा में कुछ तस्वीरें भी लहराई। स्मृति ईरानी ने सदन में इस मुद्दे पर कांग्रेस को आईना दिखाया। हम आपको उन तस्वीरों की सच्चाई अब बताने जा रहे हैं जिनके जरिए राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार को घेरने का प्रयास किया। आप भी देखिए कि कैसे राहुल की मोदी अदाणी वाली कहानी अर्ध सत्य पर आधारित है। अदानी जी पे फोकस किया, आज आपको डरने की जरूरत नहीं। मेन जो भाषण है वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं तो किसकी आवाज सुनते हैं? अदानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है? अदानी मुद्दा मणिपुर हिंसा का था। राहुल गांधी इसी मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन राहुल के भाषण में अदानी का जिक्र आ ही गया। आज कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूँ। आप छोड़िए, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं, क्योंकि मेरा भाषण आज दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा कहते हुए राहुल गांधी लोकसभा में अदानी का जिक्र कर गए। राहुल गांधी ने लोकसभा में अदानी का केवल जिक्र ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने अदानी के साथ पीएम मोदी की एक तस्वीर भी लहराई। आखिर क्यों राहुल गांधी बार बार अदानी का जिक्र करते हैं, और राहुल गांधी ने संसद में जो पोस्टर लहराया उसकी सच्चाई क्या है? तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी, गौतम अदानी और एक और शख्स दिख रहा है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये तस्वीर ट्वीट की है। इसी तस्वीर का इस्तेमाल कांग्रेस और राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने के लिए बार बार करते हैं। लेकिन क्या इस तस्वीर का सच वही है जो दिखाया जा रहा है, या इस फोटो के आगे पीछे भी कुछ है? एबीपी न्यूज आपको इस तस्वीर की हकीकत बताने जा रहा है, जिसे लहराकर राहुल गांधी अदानी के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे थे। ये तस्वीर साल 2007 की है। तब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में शामिल होने के लिए 74 लोगों का डेलीगेशन चीन जा रहा था। तब नरेंद्र मोदी बतौर गुजरात सीएम बैठक में शामिल होने गए थे। मोदी प्लेन में सामने वाले हिस्से में बैठे थे। प्रतिनिधि मंडल में शामिल लोग उनसे मिलने आ रहे थे। इसी दौरान अदानी भी पीएम मोदी से मिलने आए और उन दोनों के बीच महज 2 से 3 मिनट की बातचीत हुई थी। क्या कि प्लेन के सामने वाले हिस्से में मुख्यमंत्री महोदय बैठे हुए थे, तो अभिवादन के लिए लोग 2 या 3 मिनट के लिए आते, बात करते और अपनी सीट पे चले जाते। विभव उपाध्याय खुद उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। विभव के मुताबिक डेलीगेशन में 74 लोग शामिल थे। सिर्फ एक तस्वीर दिखाई जाती है। तस्वीर में सिर्फ 3 लोगों को दिखाया जाता है, जबकि 71 लोगों को छिपाया जाता है, यानी आधी अधूरी तस्वीर दिखाई जाती है। कोई चीफ मिनिस्टर अगर किसी विदेश यात्रा में जाए तो बिजनेस एकेडमिक्स, बिजनेस के लोग, बिजनेस लीडर्स, एकेडमिक लीडर्स, सोशल लीडर्स साथ में जाते हैं। को बार बार एक गलत माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया है। मैं बताता हूँ क्या रिश्ता है। एक उद्योगपति का एक मुख्यमंत्री के संग जो रिश्ता होना चाहिए वही रिश्ता है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।